शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने आज एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में एमवीए मिलकर चुनाव लड़े और तीनों दलों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे, घोषणा पत्र या किसी अन्य कामकाज को लेकर कोई भी मतभेद ना हो। रैली दोपहर 3 बजे आयोजित की गई है, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अन्य कांग्रेस नेता संबोधित करेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी रैली आज हो रही है महाविकास अघाड़ी की। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का ऐसा राज्य है जिसने नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जी का पराभव किया। हमने यहां 31 सीटें जीती हैं। यूपी के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा लेकर हम दिल्ली में गए हैं। हम चाहते हैं विधानसभा चुनाव में हम महाविकास अघाड़ी एक साथ लड़े। तीन पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। पवार साहब, कोई मतभेद नहीं है, ना सीट शेयरिंग में है, ना मैनिफेस्टो में है, ना किसी काम के पद्धति में है। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि हमको एक साथ मिलकर काम करना है और इस राज्य के सत्ता पर जो डकैत बैठे हैं, जो लूट रहे हैं इस राज्य को, उनको हटाना है। आज तीन पार्टी की एक रैली हो रही है जिसमें उद्धव जी संबोधित करेंगे। सबसे पहले माननीय शरद पवार साहब है, नाना पटोली जी है, कांग्रेस के और भी नेता है। तो आज देखिए क्या होता है। सर, लाड़की बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कल बयान दिया कि जो पिछली सरकार थी वो हफ्ता लेती थी, हम हफ्ता दे रहे हैं। देखिए, आप तो ठेकेदारों से हफ्ता लेते हो और जनता के तिजोरी से, जिस तिजोरी में पैसा नहीं है उससे आप वोट खरीदते हो, ये मैं कह सकता हूँ। 50-50 करोड़ कहाँ से लाए? 100-100 करोड़ विधायक और सांसद खरीदने के लिए आप अपने घर से खेती उगाते हो क्या सातारा में? मुझे बताइए, उनकी बात मत सुनिए। 2 महीने की बातचीत है उनकी।